सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए यूट्यूब की तीन ऐसी अपडेट्स लेके आया हूँ जो कि शायद आपने ना सुनी हो। सो पहली अपडेट है लाइव स्ट्रीम से रिगार्डिंग, दूसरी अपडेट है मोनेटाइजेशन से रिगार्डिंग। जी हाँ, मोनेटाइजेशन से रिगार्डिंग। मोनेटाइजेशन का नाम सुन के काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं। थर्ड है यूट्यूब लेआउट से रिगार्डिंग। सो यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाते रहो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो सबसे पहले बात करते हैं यार यूट्यूब लेआउट की। सो यूट्यूब लेआउट में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं जो कि सबको नहीं मिले हैं, अभी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिले हैं। सो जैसा कि आप कोई भी वीडियो देखते थे तो आपको सब नीचे रिकमेंडेशन की वीडियोस दिख जाती थी और साथ में सबसे नीचे कमेंट्स का ऑप्शन दिख जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। आपको कमेंट्स अगर करने हैं या फिर कमेंट्स शो करने हैं तो आपको सबसे ऊपर अपनी वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स का दिख जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। उसमें आप क्लिक करके कमेंट्स लिख सकते हैं, अपना कमेंट्स सेंड कर सकते हैं किसी की वीडियो में। एंड अगर आप डबल एरो आपको दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप बाकी कमेंट्स भी देख सकते हैं। साथ में आपको जो रिकमेंडेशंस की वीडियोस होगी वो आप नीचे, पहले आपको छोटी छोटी दिखाई पड़ती थी साइड में, बट अब वो बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। कि सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है, मुझे भी अभी तक नहीं मिला है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है। सो सेकंड अपडेट की बात करें तो यार वो है लाइव स्ट्रीम से रिगार्डिंग। सो लाइव स्ट्रीम में आप किसी का भी चैनल देखते होगे या फिर किसी की भी लाइव स्ट्रीम देखते होगे तो आपको साइड में तीन डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, जिसमें कि आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लॉक, एक्शन और गो टू चैनल। बट इसमें भी नया एक अपडेट आया है जिसमें कि आपको सिर्फ ब्लॉक और एक्शन का ऑप्शन ही मिलेगा। आप गो टू चैनल डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम से चैनल पर नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता यूट्यूब ने ये ऐसा अपडेट क्यों किया है। बेसिकली मुझे ये अपडेट नहीं पसंद आया कुछ खास, बट इसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम हो रहे थे इससे रिलेटेड भी। सो यूट्यूब अगर ने किया है तो यार कुछ अच्छा ही होगा। चलिए जो थर्ड अपडेट है वो है मोनेटाइजेशन से रिगार्डिंग, जिसका काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, सो मैंने कुछ देर पहले एक मोनेटाइजेशन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यार आप अभी अपना चैनल लॉकडाउन की पीरियड में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आपका चैनल जो है रिव्यू में फंस जाएगा। सो थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे क्योंकि उस टाइम ऐसा चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड अमन है, उसने अपना चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, अराउंड 30 मार्च को उसने अप्लाई किया था। उसका चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है। जी हाँ, थोड़ा एक महीना लग गया बट उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है इसकी वजह से। मैं अपना जो है मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा सकता। सो आप भी अगर आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अपना जो है चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका थोड़ा बहुत हो सकता है 10 दिन से जगह 15-20 दिन लग जाए, लेकिन आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।